जस्ट इमेजिन कि आप स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट हो और 8th क्लास में आप अभी अभी पहुंचे हो। आप अपनी क्लास में सबसे लास्ट में आते हो, मतलब टीचर्स मानते हैं कि इस लड़के का लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको हर एक क्लास पास करवाने के लिए भी आपके फादर को आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि प्लीज इसे पास करवा दो, बस इस साल नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करवा दो। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस पोजीशन पर अपने को फेलियर मानोगे या नहीं, क्योंकि रियल डेटा तो यही है कि आप अभी तक क्लास में अच्छे से पास भी नहीं हुए हो। लाइफ में आपने अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट शो नहीं करी है। इस सिचुएशन में बहुत से लोग शायद हार मान लेंगे, लेकिन हम एक रियल स्टोरी देखते हैं एक लड़के की जिसके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। बट 8th क्लास के पहले सेमेस्टर में उसके साथ कुछ डिफरेंट हो गया। उनके एक स्कूल के टीचर ने हॉल में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे दे दिए, इन शॉर्ट उसे चीटिंग करवा दी, जिसकी वजह से वो क्लास में लास्ट पोजीशन के बजाय 3rd आ गया। और जैसे ही ऐसा हुआ, सारे के सारे टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स इस लड़के को बहुत ही रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखने लग गए। इसे लोगों का प्यार मिलने लग गया, पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का प्यार मिलने लग गया। तो इस लड़के को लगा, ओ मुझे इस बार भी एग्जाम्स में अच्छा ही करना है। तो इसने अपने घर वालों से पैसे लिए और जहां पर पेपर्स प्रिंट होते थे उनके पास चला गया और कहा कि मुझे क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं क्या। तो उस प्रिंटर वाले ने इस लड़के से कहा, चले जाओ यहां से वरना तुम्हारी कंप्लेन हम प्रिंसिपल के पास करवा देंगे। बट इस लड़के को लगा कि अगर अब मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो सब दोबारा से मुझे यूजलेस समझने लग जाएंगे, और ये ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए इसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से 5th आया। इसे लगा कि ये कुछ भी कर सकता है और इसने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब जब ये मेहनत करता था लोग इसे रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखते थे। इस लड़के ने इतनी मेहनत कर ली कि इसकी सिलेक्शन IIT दिल्ली में हो गई। IITs में भी ये टॉप में नहीं आता था बट बॉटम 10% में आता था। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार वाह, ये तो काफी अच्छा रहा लाइफ में, बट अभी ये क्या कर रहा है। तो एक्चुअल में ये स्टोरी है दीपिंदर गोयल की। शायद आपने इनका नाम ना सुना हो, लेकिन इनकी $9.5 बिलियन की कंपनी जोमेटो का नाम जरूर सुना होगा। यस, दीपिंदर गोयल वॉज अ फेलियर टिल 8th। तो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि एनीवन कैन डू इट, द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू डू इट। यानी कर कोई भी सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हमें खुद में कोई ऐसी मोटिवेशन ढूंढनी है ताकि हम खुद से काम करवा सके। हो सकता है कि दीपक की तरह हमें भी रिस्पेक्ट ही चाहिए हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डोंट ड्रेन योर एनर्जी। लास्ट हफ्ते अमेरिकन स्केटर नेथन चैन ने 2022 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और सबके फेवरेट बन गए। इस 4 मिनट की फ्री स्केट परफॉर्मेंस में इन्होंने 5 क्वाड्रपल जंप्स की, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जंप्स आइस स्केट्स को पहन के होती है। एनीवेज, बहुत से लोगों ने इनके हैबिट्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ये क्या नहीं करते थे। क्या आपको पता है कि 2020 के ओलंपिक्स में चैन अपना मोबाइल साथ नहीं लेके आए थे ताकि उनकी ब्रेन एनर्जी खत्म ना हो, बल्कि फोन की जगह ये साथ में गिटार लेके आए थे। चैन ने कहा कि फोन में हमेशा मुझे सोशल मीडिया की पोस्ट देखने की क्यूरियोसिटी होती है, जिससे सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऑब्वियसली हम में से सारे एथलीट्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी चैन से हम लेसन सीख सकते हैं कि छोटी चमकती स्क्रीन ही हमारी लाइफ नहीं है और इसकी वजह से हम अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि वी हैव टू स्टे फोकस्ड, और किसी भी चीज की प्रिपरेशन के दौरान ये सोशल मीडिया तो बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि टू लर्न यू हैव टू टीच। ये है मोनीश पबराय का यूट्यूब चैनल। सवाल ये आता है कि ही इज अ मिलियनेयर इन्वेस्टर, इन्होंने यूट्यूब चैनल क्यों खोला हुआ है? क्या इन्हें यूट्यूब के एड से पैसे चाहिए या फिर कोई स्पॉन्सर चाहिए जिनके प्रोडक्ट से प्रमोट कर सके? ऑब्वियसली इनका टाइम इतना वैल्यूएबल है कि ना ही इन्हें यूट्यूब की एड से और ना ही कोई स्पॉन्सर की इनकम से इन्हें कुछ फायदा होने वाला है। मोनीश कहते हैं कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, यानी अगर खुद कुछ सीखना है तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो, और यही रीजन है कि इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल दिया है। और इवन बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भी इसी रीजन की वजह से ये लेक्चर्स देते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कोई लेक्चर देना है तो इन्हें अपने थॉट्स को वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और यही इस पॉइंट का लेसन है कि अगर हम कोई भी अच्छी बुक उठा लें, चाहे वो कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट ए स्टूडेंट हो या फिर बारबरा ओकले की बुक अ माइंड फॉर नंबर्स हो, इन सब में इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कई लोग इसे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद स्लो मोशन में फुल सेंटेंसेस में बुक बंद करके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दो। कई लोग इसे टीच टू लर्न मेथड बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नया सीखने की यही बेस्ट टेक्निक है। चाहे आप मोनीश पबराई की तरह बेस्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर कैल न्यूपोर्ट की तरह MIT जैसे कॉलेज से PhD करना चाहते हो। नेक्स्ट अमेजिंग प्रिंसिपल आता है कि फोकस इज फॉर 5 मिनट्स एंड नॉट फॉर आवर्स। पॉलिसी बाजार के CEO यशीष दहिया कहते हैं कि बेशक मैंने IIT IIM क्लियर किया है और आयरन मैन रेस भी जीती है, और आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही फोकस इंसान है, तभी तो इतनी सारी बड़ी चीजें अचीव कर पाया। लेकिन उनके अकॉर्डिंग
बचपन में वो बहुत ही अनफोकस्ड थे। हर बार क्लास में वो खिड़की से बाहर देखते रहते और जिसके लिए टीचर्स उन्हें बार बार चौक से मारते और कहते, यशीश यहाँ पर देखो, क्लास में फोकस करो, तुम कर क्या रहे हो। यशीश बोलते हैं कि सालों तक मेरे साथ यही चलता रहा, लेकिन फिर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकिंग मॉडल अपने लिए निकाला। मैं हमेशा खुद को यही बोलता था कि अब घंटों तक नहीं काम करना है, तुझे बस अगले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए फोकस करना है। और फिर मैं घड़ी में टाइम देखता कि अगर अभी 7 बजे है, ठीक है, मैं अगले 5 मिनट यानी 7:05 तक ही मेहनत करूंगा, जितना होगा ठीक है, वरना नहीं होगा तो भी ठीक है। और ऐसा करने से उनके अगले 5 मिनट बहुत ही फोकस पढ़ाई होती थी। फिर दोबारा से वो खुद को पक्का यकीन दिलवा देते कि अब वो 7:05 से 7:10 तक ही पढ़ेंगे, और अगेन वो अगले 5 मिनट तक अपनी पूरी एनर्जी उसमें फोकस कर देते। और ऐसा करते करते वो दिन के 6-7 घंटे IIT की प्रेपरेशन के लिए दे देते। एंड दैट्स इट, इसी स्ट्रैटेजी से उन्होंने इंडिया की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स IITs और IIMs को क्लियर किया और साथ में $1 बिलियन की कंपनीज भी बना दी। तो इसमें हमारी लर्निंग ये है कि डिवाइड एंड रूल, जिस स्ट्रैटेजी से अंग्रेजों ने हम पर राज किया, इसी स्ट्रैटेजी में बहुत बहुत ताकत है। अगर कोई भी काम हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो हम उसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस वो काम बहुत ही आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट लेसन कहता है कि डज पोमोडोरो टेक्निक वर्क। बहुत से आर्टिकल छपे हैं जो कंपेयर करते हैं पोमोडोरो टेक्निक को डीप वर्क से, और ये सवाल करते हैं कि इन दोनों टेक्निक में से बेटर टेक्निक कौन सी है। हम सबने पोमोडोरो टेक्निक पढ़ी है जिसमें हमसे कहा जाता है कि 25 मिनट तक काम करो और 5 मिनट का रेस्ट लो, या फिर 50 मिनट के लिए कोई काम करो और 10 मिनट का रेस्ट लो। जबकि डीप वर्क हमें 4 तरीके बताता है और कहता है कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन लो, जिनमें से फर्स्ट मेथड है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी जब तक पूरा टारगेट ना अचीव हो जाए हम कुछ और लाइफ में करेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए 2 साल लगे या 4 साल। सेकंड है बायमॉडल अप्रोच, हर रोज 4 से 6 घंटे अपना मोबाइल बंद करके काम करो और उसके बाद एंजॉय करो फुल ऑन। नेक्स्ट है रिदमिक अप्रोच, एक तरह से ये पोमोडोरो टेक्निक की तरह ही है कि 90 मिनट्स के लिए यानी 1.5 घंटे तक फुल फोकस स्टेट में काम करो और फिर 20-25 मिनट का रेस्ट लो। और चौथी टेक्निक जो डीप वर्क हमें बताती है वो है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बिजी लोग हैं, जिन्हें बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि ये लोग कैसे मेहनत करें, ये लोग अपने गोल तक कैसे पहुंचे। ये टेक्निक कहती है कि बीच बीच में अगर इनके पास सिर्फ 15 मिनट भी हैं तो उन्हें भी ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि अगर इन्हें कुछ भी स्टडी करना है या कोई कोर्स या लेक्चर देखना है तो उनके स्क्रीनशॉट या वो कोर्सेज अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे और जब भी इन्हें 10 या 15 मिनट फ्री मिले ये उन्हें देख लेंगे, ताकि बॉल कीप्स ऑन मूविंग। अगर हम ध्यान से इन सब ऑप्शंस को देखें, इंक्लूडिंग पोमोडोरो टेक्निक, तो ये सब सेम ही है, बस सिर्फ डिफरेंस टाइम का ही है कि कितने कितने टाइम तक हम एब्सोल्यूट फोकस्ड स्टेट में काम करेंगे और कितने टाइम हम ब्रेक लेंगे। बट आई हैव सीन कि हम में से कई लोग इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं कि 25 मिनट के बाद भी अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन बन रही है तो वो ब्रेक ले लेंगे, या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि 5 मिनट की ब्रेक में करना क्या है। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि इसे एग्जैक्टली हमें फॉलो करना है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस कि अगर हम थक गए हैं तो कुछ टाइम के बाद हम ब्रेक ले सकते हैं, और अपने लर्निंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हमें पूरा थकने से पहले ही ब्रेक ले लेनी चाहिए। अगर पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हम कम टाइम ही काम कर पाएंगे। तो एक बार हम जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि बाद में आप इन्हें रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एनीवन कैन डू इट, द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू डू इट। इसमें हमने बिंदर गोयल की स्टोरी देखी थी कि 8th क्लास तक उन्हें सब लूजर मानते थे, लेकिन जिस वक्त उन्हें पता चल गया कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं अगर उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और IIT में सिलेक्शन भी हो गई। साथ में आज इतनी बड़ी कंपनी के वो फाउंडर हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैपेबिलिटी तो सब में है, बस हमें ये फाइंड करना है कि हम खुद को क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं ताकि हम खुद से काम करवा सकें। सेकंड पॉइंट था कि डोंट ड्रेन योर एनर्जी। इसमें हमने अमेरिकन स्केटर और 2022 ओलंपिक विनर नेथन चैन की स्टोरी देखी कि ओलंपिक्स के टाइम में वो अपना मोबाइल घर ही छोड़ के आए थे। वो जानते थे कि इससे उनकी एनर्जी ड्रेन होगी। और आप किसी को भी अपने आसपास नोटिस कर लेना जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, या तो वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे ही नहीं, या फिर बहुत ही सिलेक्टिव टाइम के लिए उसे यूज करते होंगे। देखो यार, जब भी नोटिफिकेशंस आएंगी तो हमारी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी, चाहे उसे रेजिस्ट करने में ड्रेन क्यों ना हो। इसलिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वक्त तो हमें इसे बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट था टू लर्न यू हैव टू टीच। इसमें हमने देखा था कि मोनीश पब्राय जैसे मास्टर इन्वेस्टर्स इस प्रिंसिपल पर इतना विश्वास करते हैं कि सिर्फ इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी को 10% नॉलेज देने के लिए भी उन्हें 100% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
ये भी बहुत अच्छा हैक है खुद से मेहनत करवाने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस इज फॉर 5 मिनट्स एंड नॉट फॉर आवर्स। इसमें हमने पॉलिसी बाजार यशेश दहिया की स्टोरी देखी थी कि कैसे पहले उनका भी फोकस नहीं बनता था और इसीलिए क्लास में भी उनके टीचर्स उन्हें चौक फेंकते थे। बट उन्होंने खुद से काम करवाने के लिए एक नई ट्रिक का सहारा लिया और वो ये थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले 5 मिनट के लिए खूब मेहनत करेंगे, फोकस्ड वे में स्टडी करेंगे। और ऐसे ही 5-5 मिनट करते करते वो रोज 6 से 7 घंटे निकाल लेते थे और इसी स्ट्रैटेजी से उन्होंने IITs और IIM जैसे मुश्किल एग्जाम्स को क्रैक किया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डज पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली वर्क्स। तो इसका आंसर हमने देखा था कि यस भी और नो भी। यस इसलिए है कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें ब्रेक लेना ही पड़ेगा। अगर पूरे थक के हम ब्रेक लेंगे तो ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या एग्जैक्टली 25 मिनट या 50 मिनट के बाद ही ब्रेक लेना है, तो ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। इसे हम खुद के माइंड और बॉडी को देख के समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप खुद को स्टडी के टाइम में या कुछ बड़े गोल अचीव करने की जर्नी तक मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपको हम एक बेस्ट फ्रेंड देना चाहेंगे और वो है गीगल एप्लीकेशन, जहां पर हिंदी में बेस्ट मोटिवेशनल बुक समरीज हैं, जो ना ही सिर्फ आपको बेस्ट हैक सिखाएगी पर साथ ही में कभी भी औरों की तरह नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेगी। इसे यूज कर आप खुद के लिए अलग से पॉजिटिव जोन बना के रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बेस्ट फ्रेंड को लूज नहीं करना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। आपके पास चाहे एंड्रॉइड फोन हो या iOS ऐप हो, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें, क्योंकि वन ग्रेट आइडिया कैन ट्रूली चेंज आवर लाइफ्स। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।